हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सियाज टॉक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ सोलन के बहुत सुंदर मंदिर लुटरो महादेव के मंदिर। हिमाचल की देवभूमि में अनेक मंदिरों में से एक पॉपुलर मंदिर लुटरो महादेव का मंदिर है, जो कि सोलन से अर्की जिला में 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है सोलन से कुनिहार की बस हम लेंगे, जहाँ पर मात्र 100 रुपये की टिकट लगती है कुनिहार तक। और ये सफ़र मैं अपने दोस्तों और क्लोज वन के साथ करने जा रही हूँ। ये है मेरा गाँव और यहाँ से बस मिलती है सीधे कुनिहार के लिए। सीधे डायरेक्ट हम अर्की भी जा सकते हैं, बट मुझे सिर्फ कुनिहार की बस मिली, तो अब हम कुनिहार की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये आता है स्पाटू, जिसे हम सुभातो भी कह सकते हैं। ये एक आर्मी एरिया है और यहाँ पर बस 5 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर पॉपुलर कुलचे भी हैं, जो कि आपको ज़रूर खाने चाहिए, बस स्टैंड पर मिल जाएंगी। और अब हम पहुंच चुके हैं कुनिहार के बस स्टैंड, जहां पर नंबर ऑफ बसेस हैं शिमला के लिए भी, चंडीगढ़ के लिए भी और हमारे अर्की के लिए भी। अर्की की बस लेने के लिए आपको कुनिहार पे ही रुकना पड़ेगा और ये 40 रुपीस की बस होती है पर टिकट। पूरे 2 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंचते हैं अर्की और यहाँ से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, पर हम लेंगे एक कैब क्योंकि हमारे साथ एक बेबी भी है। ये 40 रुपीस की कैब पड़ती है पर पर्सन, और अब यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी हम बाय कैब ही जाएंगे। गाड़ी के पीछे बिल्कुल पतला जो रास्ता है वो पैदल यात्रियों के लिए है। कैब हमें सिर्फ नीचे वाले रोड तक ही छोड़ेगी, क्योंकि ऊपर तो कोई सड़क है नहीं, तो हम ऐसे ही जाएंगे अब पैदल। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, हम पैदल ही जाएंगे। और बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर। सो आ जाते हैं हम इसकी हिस्ट्री पर। तो ये मंदिर बहुत सुंदर और बहुत ऊंची चोटी पर बना हुआ है, काफ़ी हाइट है इसकी। तो भगवान शिव को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भांग धतूरा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से यहाँ भगवान शिव को सिगरेट भी दी जाती है, जो कि अपने आप में बहुत शॉकिंग सी बात है। ये सुनकर आपको तो हैरानी होगी होगी, मुझे भी हुई थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर लोग अपनी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी मान्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर लोग सिगरेट चढ़ाते हैं, और जो सिगरेट चढ़ाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और लोग यहाँ पर शिवलिंग पर या गुफाओं में कहीं पे भी सिगरेट को प्लेस कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि शिव जी खुद इसको बड़े चाव से पी रहे हैं। हिस्ट्री देखी जाए तो ये मंदिर 1621 में बनाया गया था। यहाँ के जो राजा बागल थे, उनको सपने में आया कि शिवजी जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लुटरो महादेव की शिव गुफा में, जो कि 30 फीट की गुफा है, जहाँ एक कोने से प्रकाश अंदर की तरफ आता है। और जब यहाँ स्नो पड़ती है तो ये पूरी स्नो पता नहीं कैसे पर पूरी शिवलिंग पर ही आ जाती है। यहाँ छोटे छोटे गाय के थनों के रूप में शिवलिंग दिखाई भी पड़ते हैं, जो कि गुफा में ही हैं।
सो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग जो चीज लगी वो यही लगी कि यहाँ पे पहले तो लोग सिगरेट चढ़ाते हैं, दूसरा यहाँ पे जो स्नो आती है वो सीधा जहाँ पर लोग मत्था टेक रहे हैं वहाँ तक स्नो पड़ती है। ये दो चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा मैजिकल लगी है। और यहाँ पर जब मैं दर्शन करने अंदर को आ रही थी जो बाबा जी बैठे थे, मुझे लगा मुझे ही देख रहे हैं, पर ये गुफा बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत सुंदर है। नॉर्मली गुफाओं में तो ठंड लगती है पर मुझे यहाँ गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन भी बना हुआ है जिसमें जाना तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन हमने फोटोज बहुत ज़्यादा लिए हैं। और ये बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर जब हम गए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये बाबा जी की समाधि है जो यहाँ पर पहले बाबा जी रहते थे, उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ पर समाधि बनाई गई है। यहाँ पे व्यू इतना सुंदर है कि मजा ही आ गया। सच कहूं तो आप सबको यहाँ पे जरूर एक बार जाना चाहिए। हमारा लूटू महादेव का ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा, जाते दिन में कैब भी की थी। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होंगी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।